नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा आगे बढ़कर भारत की ओर चली आई है। सीमा हैदर जासूसी कहानी सोशल मीडिया पर रुकने का नाम तक नहीं ले रही। एटीएस की टीम सीमा हैदर को फिर से पकड़कर पूछताछ करने के लिए ले गई है। एटीएस की टीम ने एकदम सही काम किया, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एटीएस की पूछताछ से पहले सीमा हैदर ने अपने मोबाइल के सारा डाटा डिलीट कर दिए। अगर सीमा हैदर जासूस नहीं है तो उसने ऐसा क्यों किया? वो भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियों को गुमराह करने की क्यों कोशिश कर रही है? क्या सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तानी आर्मी के अंदर चौकीदार करता था? क्या सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी आर्मी के अंदर काम करता था? क्या सीमा हैदर भारत के अंदर कोई मकसद के लिए यहाँ आई है? अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए तो फ्री है, इसमें हमारी काफी हेल्प होगी। पूछताछ कर रही, इधर से आना जाना लगा रह रहा है, इसलिए वरना तुम्हें जासूस करने आई, अपना काम तो कर ही रही हूँ। सबसे पहले हमें न्यूज मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बार बार सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने डेढ़ ये सारी जानकारी लोगों के सामने आई और लोग सही और गलत के बारे में पहचान सके थे। इन सारी जानकारी से एटीएस और आईबी को भी काफी केस सॉल्व करने में मदद मिली है। आखिर सचिन से भी यूपी एटीएस को लगातार पूछताछ करनी चाहिए। आखिर सचिन किस लालच में आकर सीमा हैदर के साथ साजिश के अंदर शामिल हुआ था? भाभी और भैया की अच्छी तरीके से खातिरदारी भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी पता चले कि झांसा देकर भारत के तारों के नीचे से आकर सर जमीन पर नाकाब इरादे उनके कामयाब नहीं होने वाले। सचिन भी इसका काफी मददगार है, इन दोनों को थर्ड डिग्री टॉर्चर देना चाहिए। सचिन ने भी खुफिया एजेंसी के बारे में जानकारी क्या सीमा हैदर को दी है या नहीं, इसी के बारे में भी पता करना चाहिए। सीमा हैदर का एक बॉयफ्रेंड भी था जो पाकिस्तान के अंदर ही रहता था, जो 3-4 सालों से ही उसी के साथ लगातार रहती थी। पाकिस्तानी लोगों का यह कहना है कि उसके एक लड़के के साथ नहीं बल्कि 50 लड़कों के साथ उसके चक्कर चलते थे। छोटे भाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो भी काफी बवाल मच चुका था। उसने भाभी वे देवर के रिश्ते को काफी शर्मसार करने वाली बातें बोली। सचिन के क्या लगते हो? सचिन को भैया छोटो, वो तो बहुत आई है। कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया? नहीं अभी तक तो नहीं खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। अनंत भाई इंट्रोडक्शन हो गया, कैसी लगी? जहर बता तो दी कई बार तो बता दी। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो? जब तक मतलब जब तक देवर ही एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? बाहर के क्या करेंगे? जैसे पाकिस्तान से आई है तो जांच वाँच हो सकती है, तुम भी नप सकते हो, लगा नहीं कभी ऐसा? मैं कोई बात ना, हम भी चले जाएंगे। और देखिए देवर नाराज ना रहेगा तो कार्य के बाद लगा रखी है, हम बाहर खड़े कर रखे हैं। गदर फिल्म याद आ रही है? हम गदर फिल्म जाएंगे 11 अगस्त को देखने भी। पहली वाली गदर तो देखी होगी? दोनों ने देखूंगा, पहली तो देख ली। पहली देख ली तो लग रहा है कि है कोई बात ना, हम छोटे तारा सिंह हैं, छोटी बहन होगी तो हम भी चले जाएंगे। जब एक पत्रकार इन छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू लेने जाता है तब ये बच्चे भारत माता की जय, जय सियाराम के नारे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मतलब यह है कि काफी छोटे छोटे बच्चों को भी धर्म के बारे में काफी लिखाया व पढ़ाया व समझाया जा चुका है। भारत माता की जय। किसने बताया? जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये किसने सिखाया हिंदुस्तान जिंदाबाद? पापा ने। ये सारी मनगढ़ंत कहानी बनाना, अपनी जानकारी छिपाना, लोगों को और भारत की एजेंसियों को गुमराह करना, ये किसी जासूसी के ही काम लगते हैं।